फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। यही आपको बताया गया है कि मेगा स्पोर ही जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, और जिम्नो स्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट को ही एंडो स्पर्म कह दिया जाता है। आप बताओ हमें, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कह दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब हम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म देखते हैं। एंजियोस्पर्म में तीन तरीके का एम्ब्रियो सैक होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोस्पोरिक टाइप, बाईस्पोरिक टाइप, टेट्रास्पोरिक टाइप। मोस्ट कॉमन 80% एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक टाइप है, ठीक। आपको हमने बताया था, ध्यान से देखिए, आपको हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर जर्मिनेट करके यही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जैसे माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाया था, वैसे ही मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जिम्नोस्पर्म में इसी फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, और इसीलिए जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, दैट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। While in angiosperm, female gametophyte is called as embryo sac. और angiosperm में endosperm कब बनता है? After fertilization, triple fusion के बाद, इसीलिए वो जो है triploid होता है ना। अब कितने तरीके के embryo sac होते हैं angiosperm में? Monosporic, bisporic, tetrasporic. सबसे common 80% angiosperm में monosporic होता है। देखिए जरा ध्यान से, monosporic. मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब एकदम अच्छे से समझना है सबको, एकदम अच्छे से समझिए, जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है वो क्या है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में आपको ये ध्यान देना है, ओनली वन मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। मतलब चार आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर में से, आउट ऑफ फोर मेगा, जैसे ये एक मेगा स्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करके चार मेगा स्पोर बनाते हैं, और आउट ऑफ फोर में से तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही मेगा स्पोर पूरे एम्ब्रियो सैक को बनाए, इसको मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक पॉलीगोनम टाइप, एक ऑयनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप, एक ऑयनोथेरा टाइप, दोनों में एकदम अच्छे से डिफरेंस आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगोनम टाइप है वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। पॉलीगोनम टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, यही मोस्ट कॉमन भी है। देखिए इसमें एक मियोसिस तीन माइटोसिस होता है। अब कैसे, जरा ध्यान समझिए। पहले देखिए, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, 2N है, मियोसिस 1 किया दो मेगा स्पोर, मियोसिस 2 किया, ये भाई दोनों मिला के एक ही मियोसिस है ना। मियोसिस का यही होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये मत कह देना दो मियोसिस है यहाँ, ये एक ही मियोसिस है, एक ही मियोसिस का ये मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो क्या बना लिया, चार मेगा स्पोर बन गए, 1 2 3 4। तीन मेगा स्पोर हमेशा डिजनरेट, लगभग तीन मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड से, 1 2 3, एक ही मेगा स्पोर बचा। अभी तक एक मियोसिस हो चुका है, कंप्लीट मियोसिस। अब एक मेगा स्पोर जो है, जरा ध्यान से देखना, एक मेगा स्पोर क्या किया, ये एक मेगा स्पोर है, देखिए एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, माइटोसिस एक बार किया तो 1 2, ठीक, एक स्पोल पे आ गया, एक स्पोल पे आ गया न्यूक्लियस। माइटोसिस 2 किया तो 2 इधर 2 इधर, अब 2 से 4 बन गई। माइटोसिस 3 किया तो यहां से 4 और यहां से 4, मतलब 2 4 बना लेंगे, 2 4 बना लेंगे, ठीक, 8 हो गया। अब ये 3+1 अरेंजमेंट करते हैं, 3+1 अरेंजमेंट का मतलब तीन एक पोल पे, एक अपना बीच में डाल देगा, ये भी एक अपना बीच में डाल देगा, ये भी, मतलब तीन न्यूक्लियस एक पोल पे, तीन न्यूक्लियस एक पोल पे, फिर ये अपना सेंटर में ये ढकेल दिया, सेंटर में ये भी ढकेल दिया, ठीक। तो 3+3 अरेंजमेंट हुआ इसमें। तो देखिए 3+3 अरेंजमेंट के बाद अब वॉल फॉर्मेशन होगा, तो तीन जो इस पोल पे थे ये एंटीपोडल सेल हो जाएंगे, किस एंड पे, चैलेजल एंड पे, चैलेजल एंड पे ये तीन एंटीपोडल सेल हो जाएंगे। और तीन इस पे हैं तो इसमें एक तो बड़ी सी है जो एग बना लेगी, और दो सिनर्जिड सेल,
सिनर्जिड सेल जो होती हैं, सिनर्जिड सेल ये देखिए, अब ये सवाल कई बार पूछा गया है, जो सिनर्जिड सेल होती है इसमें इस तरीके से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्योंकि कभी आपसे पूछ दिया कि भाई फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ है, तो आप भूलना मत सिनर्जिड सेल के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। और बीच में इस जो न्यूक्लियस दो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब यहाँ कितने सेल हो गए, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल हो गए। 6 सेल नहीं है, जैसे आप त्रिभुज बनाते हो तो आपको दिया भाई बताओ कितना त्रिभुज है यहाँ पे, ऐसे करके दे दिया। अरे ये देखो ट्राइंगल जब आप बनाते हो, बचपन में ऐसे खेल खेले हैं ना हम लोग बहुत, है ना। अब आपसे पूछा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको 1, 2, 3, 4 और सबसे बड़ा वाला जिसमें ये चार हैं 5। तो इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल और ये सबसे बड़ी वाली सेल 7वीं सेल। सबसे बड़ी ये तीन को एंटीपोडल सेल कहते हैं। यहाँ पे बीच में एग है, दो सिनर्जिड है, ये और ये दो सिनर्जिड सेल हो गए, ठीक है। और एक सबसे बड़ी सेल जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, और सेंट्रल सेल के अंदर जो ये दो न्यूक्लियस हैं इसको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, ठीक। तो और इस पोल पे माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो तीन सेल हैं, दो सिनर्जिड और एग, इसको एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस। दिस इज द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म। 7 celled 8 न्यूक्लिएट स्टेज। व्हाट इज द 7 cell? 3 antipodal cell, 1 egg cell, 2 synergid cell एंड 1 central cell। 7 celled and 8 nucleate, 2 polar nuclei और 2 synergid cell के न्यूक्लियाई, 1 egg का nucleus, 3 antipodal cell का न्यूक्लियस। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन, यू कैन से दिस इज द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। कैसे बना? पॉलीगोनम टाइप। क्या है? 1 meiosis 3 mitosis से बना है, 1 meiosis और 3 mitosis से बना है। Am I done with this? तो ये मोनोस्पोरिक इसलिए कहे कि केवल एक ही मेगा स्पोर आगे चल के पूरा एम्ब्रियो सैक बनाया, केवल एक ही मेगा स्पोर आगे चल के पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाया, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। इसमें ये पॉलीगोनम है। नेक्स्ट क्या है? ऑयनोथेरा टाइप। ऑयनोथेरा टाइप में भी एक ही मेगा स्पोर पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, लेकिन वहां कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑयनोथेरा टाइप ऑफ, ठीक, ऑयनोथेरा टाइप। इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो इसमें त्रिभुज त्रिभुज मिटा दें भाई, एक बार इसको नोट करेंगे आप पॉज करके। चलिए अब आइए देखिए इसमें आइनोथेरा। आइनोथेरा आपको पता है, आइनोथेरा लेमार्कियाना, इसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिखा दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन थियरी इसी में दिया था, आइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक। अच्छा इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं, वेरी आईएमपी, एकदम अच्छे से देखिए इसमें क्या होता है। इसमें ये मेगा स्पोर मदर सेल है, मियोसिस 1 से 2 बन गए, ठीक। मियोसिस 2 हुआ तो 4 मेगा स्पोर बन गए और 3 डीजनरेट हुए चैलजल एंड से। वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ पे 3 चैलजल एंड से डीजनरेट होते हैं। और लगभग हमने कहा मेगा स्पोर डीजनरेट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड से, लेकिन यहाँ पे 3 चैलजल एंड से डीजनरेट होते हैं। तो एक ही मेगा स्पोर बचा हुआ किस एंड पे, तो आप कहोगे ये बचा हुआ है माइक्रोपाइलर एंड पे, केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बचा हुआ है। कहाँ बचा हुआ है? माइक्रोपाइलर एंड पे बचा है। अब ये 1 फंक्शनल मेगा स्पोर एक बार माइटोसिस करेगा तो 2, और 2 बार माइटोसिस करेगा तो 4। आपको पता है कि इसका मकसद क्या है? एग बनाना, एग बनाना। तो एग और मतलब आगे चल के जो जाइगोट और एंडोस्पर्म बन सके, तो ये जो 4 मेगा स्पोर है ये 3+1 अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये फर्दर तीसरा माइटोसिस यहाँ नहीं होता। जब 3+1 अरेंजमेंट करेंगे तो एक यहाँ आ गया एग सेल, 2 सिनर्जिट और एक ही पोलर न्यूक्लियस बनता है सेंट्रल सेल में। तो ये बताइए ये किस तरीके का एम्ब्रियो सैक है? तो ये कहेंगे 1, 2, 3 और ये 4, 4 celled, है ना, और 1, 2, 3, 4, 4 celled, 4 nucleate stage, 4 celled 4 nucleate, वेरी वेरी आईएमपी भाई, वेरी वेरी आईएमपी। अब से पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताइए 4 celled 4 nucleate एम्ब्रियो सैक कहाँ है?
अब आप बताओ इसमें कहानी में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है? जब दो मेल गैमिट आएंगे यहाँ पे, दो मेल गैमिट, तो एक तो एग से फ्यूज करेगा तो जायगोट बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन बताया था, ठीक, एक एग से फ्यूज करेगा तो जायगेट बनेगा, और एक पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म। इसका एंडोस्पर्म ना डिप्लॉइड होता है, दिस इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी। व्हाट? इसका एंडोस्पर्म कैसा? तो आइनोस्फोरा का एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है, वेरी वेरी आईएमपी, क्योंकि एक ही पोलर न्यूक्लियाई है, एक पोलर न्यूक्लियाई वाला न्यूक्लियस, एक स्पर्म का न्यूक्लियस, ये डिप्लॉइड हो गया। दिस इज द ट्विस्ट। एम आई डन विद दिस? आपसे पूछा जा सकता है किस प्लांट का एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है? आइनोथेरा लैमार्कियाना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, आप देख लो इसका रीजन क्या है। अब आप बताओ कि इसका एम्ब्रियो सैक कैसे बना? एक मियोसिस और दो माइटोसिस, एक मियोसिस दो माइटोसिस, हालांकि एक ही मेगा स्पोर से बना, इसलिए मोनो स्पोरिक टाइप कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं बाइस्पोरिक, 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 बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में दो मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, टू मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ये भी दो तरीके का है, एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप, एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप, टू मेगा स्पोर से बनेगा। अब देखिए एलियम टाइप में क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस वन, दो बन गए, और जैसे ही दो बने ना तो एक डिजेनरेट यही हो गया, वहां पहले चार बनने के बाद डिजेनरेट होता था, एक डिजेनरेट हो, एक ही बचा, अब इसने मियोसिस टू किया तो दो ही बने यहाँ पे, अब इसने एक माइटोसिस वन किया, अब देखो दो मेगा, दो फंक्शनल मेगा स्पोर ऑफ चैलेजल एंड, दो फंक्शनल मेगा स्पोर ऑफ चैलेज, क्योंकि माइक्रोपाइलर से डिजेनरेट हुआ, अब जब चैलेजल एंड का न्यूक्लियस बचा हुआ है, इसने मियोसिस टू किया तो दो बन गया, अब ये दो फंक्शनल मेगा स्पोर ऑफ चैलेजल एंड, इसने माइटोसिस वन किया तो चार, माइटोसिस टू किया तो आठ बन गया, और फिर 3+1 का अरेंजमेंट कर लेंगे, 7 celled 8 न्यूक्लियट स्टेज बन जाएगा। फर्क बस इतना सा है कि इसमें दो मेगा स्पोर ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी है ये 7 celled 8 न्यूक्लियट स्टेज ही बनता है, ये एलियम टाइप का है। और एंडीमियन टाइप में फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द टू मेगा स्पोर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, सब कुछ सेम होगा, यहाँ चैलेजल एंड, यहाँ जैसे ही दो बना तो एक डिजेनरेट हो गया माइक्रोपाइलर एंड से, तो दो चैलेजल एंड वाले मेगा स्पोर बनाते हैं पूरा एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पहला डिवीजन होगा, ठीक है, जैसे ही पहला डिवीजन होगा तो दो बनेंगे, और ये जो है चैलेजल एंड वाला डिजेनरेट हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड, अब मियोसिस टू होगा तो माइक्रोपाइलर एंड पे दो, फिर माइटोसिस वन होगा तो चार, ठीक है, माइटोसिस टू होगा तो आठ, कुल मिला के एम्ब्रियो सैक यहाँ पे जो बना है दो मेगा स्पोर ऑफ चैलेजल एंड, यहाँ जो एम्ब्रियो सैक बनेगा टू मेगा स्पोर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड से बनेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप। हालांकि दोनों ही बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हैं, दो मेगा स्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, आई होप। ओके, डन, चलें आगे, चलें आगे, आते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप। ऑल द फोर मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, सारे चारों मेगा स्पोर जो हैं, चारों मेगा स्पोर जो है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन पार्टिसिपेट, यहाँ कोई डिजेनरेट होगा ही नहीं, कोई डिजेनरेट होगा ही नहीं। अब देख लें कैसे, ये एडोक्सा, प्लम्बैगो, प्लम्बिजेला, फ्रिटलेरिया, इन सब में इसका एग्जाम्पल है। देखिए जब मेगा स्पोर मदर सेल है 2n है, मियोसिस 1 दो बना मेगा स्पोर, मियोसिस 2 चार बना, और एक भी डिजेनरेट नहीं हुआ, चारों मेगा स्पोर ने एक बार ही माइटोसिस कर लिया, तो यहाँ एक ही माइटोसिस हुआ, केवल और केवल एक, मतलब हम कहेंगे एक मियोसिस। अच्छा, पहले वाले में क्या हुआ था, आप कहेंगे पहले वाले में जो मोनोस्पोरिक है एक मियोसिस 3 माइटोसिस, बाइस्पोरिक में एक मियोसिस 2 माइटोसिस, और टेट्रास्पोरिक में एक मियोसिस 1 माइटोसिस, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ही बार माइटोसिस किया तो 4 से 8 बन गए, 3+1 अरेंजमेंट हो गया, है ना। तो यही है टेट्रास्पोरिक टाइप का अरेंजमेंट, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ मेगा एम्ब्रियोसाइट। ठीक, यहाँ पे देखिए
सम फैमिलीज लैक एंडोस्पर्म, कुछ ऐसी फैमिली है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होते, जैसे पोडोस्टोमेसी आर्किडेसी ट्रपेसी, पोडोस्टोमेसी आर्किडेसी ट्रपेसी। और कुछ ऐसे आपको प्लांट लिखे हुए हैं जिसमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी दी गई है, जैसे जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, आइनोथेरा में 2N होता है जबकि ये एंजियोस्पर्म है, आइनोथेरा लेमार्कियाना में 2N होता है एंडोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में 3N, देखिए क्रिसेंथेमम में 4N होता है, वेरी वेरी IMP याद कर लीजिए, क्रिसेंथेमम में 4N होता है क्रिसेंथेमम, बताइए क्रिसेंथेमम किसका मेंबर है, क्राई करते हुए कंपोजिटिव फैमिली, ठीक है। इसके बाद आइए और प्रिटलेरिया में 5N है, प्लम्बेगो में 5N है, प्लम्बिजेला में 5N है, लेकिन पिप्रोमिया में 9N है, पिप्रोमिया का एंडोस्पर्म 9N है इसकी ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलते हैं कहीं कहीं। तो आई होप आपको एम्ब्रियो सैक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।